Hello students, myself Lake Narwal. Today in this part of chapter 6 we will discussing about the transport of water. अब वाटर का ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे इस जो है पार्ट के अंदर. तो पिछले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन से टिश्यू जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कौन से जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर. तो जाइलम टिश्यूज के रोल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इसमें बोला गया है कि जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं. ये वेसल्स और ट्रैकेट्स जो हैं जाइलम टिश्यू के, वो रूट स्टेम और लीफ के, तीनों के, रूट के भी, स्टेम के भी और लीफ के भी, आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. और एक जो है कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं जो वाटर कंडक्टिंग चैनल जो है बनता है, जो मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट तक, रीचिंग ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. तो मतलब जो है वाटर को फिर ये सभी पार्ट्स तक जो है पहुंचाता है ये चैनल जो है, जो एक सिस्टम तैयार किया गया होता है इन जो है जाइलम टिश्यू के द्वारा. अब आगे बोला गया है एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस सॉइल एक्टिवली टेक आयन. अब बात की गई है कि रूट लेवल पे प्लांट है हमारे पास एक, नीचे उसमें जो है रूट्स हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा इसका स्टेम है, रूट और स्टेम वाले हिस्से में इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है हिस्से होते हैं, लीव्स वगैरह होती हैं इसके अंदर. तो वो अब बात की गई कि रूट वाला जो पोर्शन है इसकी बात हम कर रहे हैं, रूट वाले पोर्शन की. एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विद दिस सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन. तो सेल जो है इसके रूट्स के किसके साथ रहेंगे, सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और एक्टिवली आयन को जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेते रहते हैं. दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन्स बिटवीन द रूट एंड दिस सॉइल. इस कारण से क्या होता है कि जो है एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आयन्स का जो है रूट और सॉइल के बीच में. तो रूट और सॉइल के बीच में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है उसका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करती रहेंगी आयन को. तो मतलब उनके बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब रूट्स के अंदर ज़्यादा आयन्स हो जाएंगे और सॉइल के अंदर कम हो जाएंगे. आगे है इसके अंदर वाटर देयरफॉर मूव्स इन टू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. तो वाटर जो है वो मूव करेगा इस कारण से जो है, किस कारण से, जब आयन का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा रूट और सॉइल के अंदर. तो वाटर मूव्स इन टू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. तो वाटर जो है मूव करेगा जो है सॉइल से रूट्स के अंदर, ताकि ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है आयन्स की कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो उसको वो क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, मतलब उसको ओवरकम किया जा सके. तो उसके वाटर के कारण वो डिफरेंस जो है कम हो जाएगा. दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड. इसका मतलब है कि अब क्या होगा, जब वाटर उसके अंदर एंटर करेगा तो उसमें जो है स्टेडी मूवमेंट जो है वाटर की होना शुरू हो जाती है, मतलब वाटर के अंदर वाटर की मूवमेंट जो है रूट्स के अंदर होना शुरू हो जाएगी, रूट्स के जाइलम के अंदर. और एक जो है कॉलम को क्रिएट करता है, एक प्रेशर जो है क्रिएट करेगा रूट्स के अंदर वाटर, और जिसके कारण जो है अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर की होना शुरू हो जाती है, मतलब एक स्टेडी मूवमेंट जो है वाटर की होना शुरू हो जाती है इस आयन कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण. अब आगे इसमें बताया गया है हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट. अब ये बात की गई है कि ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है आयन की कंसंट्रेशन के कारण, ये उतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं होता है, इनफ नहीं होता है कि ये प्लांट जो जितनी हाइट के प्लांट हम देखते हैं, बड़ी बड़ी हाइट के प्लांट देखते हैं हम, तो उन हाइट के प्लांट तक जो है वाटर को पहुँचाने में ये सफिशेंट नहीं होता है. तो हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जिन प्लांट्स की लार्ज हाइट है या जो लॉन्ग प्लांट हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है ये जो प्रेशर क्रिएट होता है तो ये जो है सफिशेंट नहीं होता है कि वो जो है वाटर को जो है हाइट तक पहुंचा सके.
अब आगे है इसके अंदर जो है, अब ये जो प्रेशर है ये सफिशेंट नहीं है जो जाइलम की रूट्स रूट्स की जाइलम के अंदर जो है क्रिएट हुआ है, जाइलम सेल्स के अंदर। तो अब फिर ये किस तरीके से वाटर को जो है, जो टॉल प्लांट हैं, लार्ज हाइट वाले प्लांट हैं, उनमें कैसे जो है वाटर की जो है मूवमेंट होती है, अब उसके बारे में अब हम जानेंगे। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट कॉमनली वी सी इन प्लांट। तो ये प्रेशर जो है सफिशेंट नहीं होता है, जितनी हाइट के प्लांट हम देखते हैं उनकी हाइट तक जो है टॉप तक जो है रूट से वाटर को पहुंचाने में। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसलिए जो प्लांट हैं वो एक अलग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं जाइलम के थ्रू वाटर को मूव करवाने के लिए, एक अलग स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करते हैं जिसके थ्रू जो है टॉप जो हाइट होती है प्लांट की वहाँ तक भी जो है वो वाटर को पहुँचा सकते हैं। आगे इसमें एक्टिविटी 6.8। अब उस स्ट्रेटजी के बारे में इस एक्टिविटी के बाद हम जो है डिस्कस करेंगे। अब एक्टिविटी 6.8 है, टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग सेम अमाउंट ऑफ द सॉयल। तो क्या करना है, दो पॉट चाहिए हमें जो सेम साइज के हो और उनमें सेम अमाउंट हमने जो है क्या करना है, सॉइल का डालना है, सेम जो है अमाउंट जो है सॉइल का उनके अंदर डाला, सेम जो है पॉट्स लिए हमने दो। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, तो एक के अंदर हमने क्या डालना है, एक प्लांट डालना है। प्लेस ए स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट, जबकि दूसरा जो पॉट होगा उसके अंदर हमने क्या डालना है, सेम हाइट, जितनी हाइट जो उस प्लांट की है जो एक पॉट के अंदर लगाया गया है उतनी ही हाइट की स्टिक लेनी है, उसको दूसरे पॉट के अंदर लगा देना है, इंसर्ट कर देना है। कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट विद ए प्लास्टिक सीट, तो जो सॉइल है उसको जो है कवर कर देना है दोनों पॉट्स की सॉइल को हमने प्लास्टिक सीट के साथ, ताकि जो है मॉइस्चर जो है इवेपोरेट ना हो पाए, बाहर ना निकल पाए उसमें से जो है सॉइल में से। कवर बोथ सेट्स वन विद प्लांट एंड दी अदर विद स्टिक, फिर जो दोनों सेट हैं हमारे पास जिसमें एक में प्लांट लगा है दूसरे में स्टिक लगी हुई है विद प्लास्टिक सीट्स, तो दोनों को जो है प्लांट वाले को भी और स्टिक वाले पॉट को भी हमने जो है सीट के साथ कवर कर देना है। एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर, और उसको जो है हाफ एन आवर तक जो है हमने सनलाइट के अंदर, धूप के अंदर रखना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस, क्या आपको कोई डिफरेंस दोनों केसेस में देखने को मिलेगा, तो इसको जो है चेक करना है। तो ये एक्टिविटी हम घर में भी कर सकते हैं, तो इसमें जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब वही डिफरेंस को हम जो है नीचे जो है स्टडी करेंगे, क्योंकि एक में हमने प्लांट है जिसमें रूट्स हैं जो वाटर को ऑब्जर्व कर रही हैं, और जबकि जो दूसरा है उसमें जो है एक स्टिक हमने सिंपली जो है लगा रखी है। अब उनमें कैसे क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा आगे जो बताया गया उसको समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, अब ये जो है एक्टिविटी में जो हमने प्लांट लिया था तो उसको क्या हो रहा है, एडुकेट सप्लाई जो है वाटर की मिल रही है, जबकि जो स्टिक है उसको कोई ऐसा जो है सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि उसके अंदर रूट्स नहीं है, वो एक सिंपल स्टिक है। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ, तो जो वाटर जो है स्टोमेटा के द्वारा जो है जो वाटर जो है लॉस हो जाता है इसके अंदर जो है, तो वो स्टोमेटा के द्वारा जो है, स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं, लीफ के अंदर पाए जाते हैं, तो जो प्लांट है उसमें लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर लॉस होगा वो जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा, कवर अप कर दिया जाएगा जाइलम वेसल की जो है, जो लीफ के जाइलम वेसल है उनके द्वारा जो है वो फिर से भरपाई उसकी हो जाएगी वाटर की। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट ए सकन प्रेशर, तो अब ये जो है बात की गई है कि इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, जब वाटर की इवेपोरेशन हो रही है तो उसके कारण एक सकन पुल जो है क्रिएट होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ, तो लीफ के सेल से जो है वाटर मॉलिक्यूल की जो इवेपोरेशन हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, क्रिएट ए सकन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल ऑफ द रूट, तो ये जो है सकन पुल जो है क्रिएट करेगा जिसके कारण जो है जो रूट्स होंगी, रूट्स के अंदर जो जाइलम होगा उसके अंदर जो सकन प्रेशर क्रिएट होगा जो मतलब वाटर को सक करेगा इस इवेपोरेशन के कारण। अब ये है प्लांट के अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस की बात की गई, तो इवेपोरेशन के कारण क्या होगा कि जो लीफ में से इवेपोरेशन हो रही है, लीफ में से इवेपोरेशन हो रही है तो क्या होगा, सकन पुल क्रिएट होगा कहां पर, रूट्स के अंदर,
रूट्स के अंदर, और वो जो है वाटर को जो है ऑब्जर्व करेगा सॉइल में से। और जो है इस तरीके से जो रूट्स के जाइलम हैं, जाइलम टिश्यू हैं, तो वो जो है वाटर को सक करना शुरू कर देंगे इस इवेपोरेशन के कारण, और एक सकन पुल जो है इवेपोरेशन के कारण क्रिएट होता है। और इस तरीके से जो है वाटर जो है इवेपोरेशन के कारण जो है टिप ऑफ द प्लांट तक जो है पहुंच जाता है इस सकन प्रेशर के कारण। तो यहाँ पर हमने ये बात की, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएट ए सकन विच पुल वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, और ये जो जाइलम सेल जो है रूट के वहाँ से वो वाटर को जो है सक करेगा और प्लांट तक जो है डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा जाइलम टिश्यू के थ्रू। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लॉस मतलब जब पानी जो है निकल रहा है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो है जब निकल रहा है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो एरियल पार्ट है मतलब जो हवा में है पानी, जो हवा में है पार्ट जो है प्लांट का, हवा में पार्ट कौन सा है, लीफ वाला स्टेम वाला पार्ट, तो वहाँ से जब वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को जो है क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। तो यह है डेफिनेशन इसकी, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन जो है समझ में आ गया होगा सभी को, तो ट्रांसपीरेशन क्या है, छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जो है कई बार पूछी जाती है ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन। अब इसमें आगे है, दस ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट। अब ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है, अब ये हमें पता चल गया लीव्स के अंदर जो है ये शो कर रखा है, यहाँ 6.12 जो है फिगर के अंदर ये वाटर वेपर जो है निकल रहे हैं बाहर को जो है प्लांट की लीफ में से, ग्रीन पार्ट को जो है लीव्स शो कर रखा है, तो वाटर वेपर निकल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, सकन प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर रूट्स के अंदर, ये वाला जो है रूट्स का पोर्शन है सॉइल के अंडर, तो मतलब यहाँ से जो है सकन प्रेशर क्रिएट हो रहा है इनके अंदर इस वाटर वेपर के बाहर निकलने के कारण, और जो है वाटर जो है रूट्स में जो है ये सकन प्रेशर क्रिएट होगा और उसके कारण जो है वाटर जो है रूट्स ऑब्जर्व करेंगी और जो है टॉप ऑफ हाइट तक जो है प्लांट की ये पहुंचा देती हैं, डिफरेंट पार्ट्स तक जो है लीव्स तक भी ब्रांचेस तक भी हर एक पार्ट तक ये वाटर को पहुंचाएंगी, तो इस वेपर प्रेस वाटर वेपर्स के लॉस के कारण, और ये वाटर वेपर के लॉस की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है, ये ट्रांसपीरेशन। तो ये है मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इन ए ट्री, उसको शो कर रखा है। अब आगे ट्रांसपीरेशन के बारे में ही है, अब ये ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कारण ही जो है प्लांट के अंदर जो है वाटर की मूवमेंट होती है। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है ये हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट में वाटर और मिनरल की, डिजॉल्व इन इट जो उसमें जो है घुले हुए होते हैं मिनरल जो है वाटर के अंदर, फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, और रूट से लीफ तक फिर ये जो है इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के कारण वाटर पहुंचेगा। तो किस प्रोसेस के कारण वाटर जो है रूट से लीव्स तक पहुंच रहा है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के कारण। इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, तो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, जो है एक टेम्परेचर बनाए रखती है जो है रेगुलेट करके रखती है प्लांट का, तो ये इसमें भी हेल्प करेगी। तो दो फंक्शन आ गए इसका ट्रांसपीरेशन का, पहला फंक्शन यह जो है क्या करेगी, मूवमेंट ऑफ वाटर करवाएगी रूट रूट से जो है फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट टू लीफ, लीव्स और टिप ऑफ द प्लांट, और सेकंड इसके अंदर फंक्शन आ गया टेम्परेचर रेगुलेशन का फंक्शन। तो ये दो फंक्शन ये जो ट्रांसपीरेशन परफॉर्म करती है प्लांट के अंदर। अब आगे है इसके अंदर, इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, जो अभी हमने किया तो टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करती है प्लांट के अंदर। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। अब बात की गई कि जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का, रूट प्रेशर जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा
कि रूट के अंदर प्रेशर जनरेट होता है आयन एक्सचेंज के कारण, जब आयन एक्सचेंज होते हैं सॉइल से जो है रूट के अंदर, तो उसके कारण एक जो है कंसंट्रेशन का जो है आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सॉइल और रूट के अंदर, तो उसको हमने रूट प्रेशर बोला था। तो उसके कारण उसको ओवरकम करने के लिए रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में से वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, मतलब वाटर एंटर होगा रूट्स के अंदर। तो वो रूट प्रेशर जो है वो जो है रात के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रात में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो इसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण। मतलब रात को जो है कोई जो है ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है, वाटर का लॉस नहीं हो रहा है लीव्स के द्वारा, तो उस दौरान क्या होता है कि रूट प्रेशर जो है वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा एट नाइट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है दिन के टाइम में जो है ट्रांसपिरेशन पुल जो है एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है, एक इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण जो है मूवमेंट होती है वाटर की जो है जाइलम के अंदर। तो इस तरीके से जो है वाटर जो है दो प्रोसेसेस के कारण जो है मूव करता है प्लांट के अंदर, एक तो आ गया इसके अंदर रूट प्रेशर के कारण और दूसरा आ गया ट्रांसपिरेशन के कारण। तो ये दो प्रोसेसेस मेन रहती हैं, रूट प्रेशर और दूसरा आ गया इसके अंदर ट्रांसपिरेशन। तो ये दो प्रोसेसेस जो है वाटर की मूवमेंट जो है करवाती हैं जाइलम सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर, जिसके कारण जो है फिर वाटर जो है मूव करता है प्लांट्स के अंदर इन दो प्रोसेसेस के कारण। तो ये रूट प्रेशर वाला इंपॉर्टेंट रोल नाइट में प्ले करेगा और जो दूसरा है हमारे पास ट्रांसपिरेशन, ये दिन में डे टाइम में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लास्ट में हम जो है एक्टिविटी 6.8 का जो पूरे डिस्कशन के बाद जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमने बोला था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसमें ये जो लास्ट में पूछा गया है डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन टू केसेस, तो दो केसेस क्या थे। तो उसमें हमने एक जो है पॉट, एक पॉट के अंदर हमने प्लांट को ग्रो करवाया था, दूसरे के अंदर हमने जो है सिंपली जो एक उस सेम हाइट का जो है प्लांट की हाइट का जो है स्टिक लगाया हुआ था, अब दोनों को कवरअप किया था। तो इन दोनों केसेस में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो एक प्लांट है पॉट पॉट वाला प्लांट, तो जिसके तो उसमें जो है हमें जो है उसके जो पॉलीथीन सीट होगी, कवरअप कर रखा है उसको पॉलीथीन सीट से, तो उसमें हमें जो है वाटर ड्रॉप्स जो है उस पॉलीथीन सीट के ऊपर जो है ईजिली देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि हमने उसको धूप में रखा तो सनलाइट में वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ट्रांसपिरेशन भी होगी उसके अंदर, और उसके कारण जो है जो ट्रांसपिरेशन हो रही है तो वाटर ड्रॉप्स जो है उसकी जो है पॉलीथीन सीट के ऊपर जो है जम जाएंगी। जबकि जो हमने सिंपल स्टिक ले रखी है उसको हमने उसके अंदर गाढ़ा है, तो उसके अंदर जो है हमें कोई भी इस तरीके का जो है चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि उसमें जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, सकल पुल भी क्रिएट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के कारण, इवेपोरेशन भी हो रही है, और जो दूसरी प्रोसेस उसके अंदर हो रही है तो वो है कि रूट हैं उसके अंदर जो है, और रूट्स के कारण जो है रूट प्रेशर भी उसके अंदर जो है क्रिएट हो रहा है। तो ये दो प्रोसेसेस जो है हमें दूसरे वाले जो है पॉट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जिसके अंदर हमने एक सिंपल जो है स्टिक जो है लगा रखी है। तो ये है दोनों के अंदर डिफरेंस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।